मायसेल्फ डॉक्टर स्वाति शर्मा, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी इन गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में तीन प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन, बडिंग, सिस्ट, गोनीडिया, सेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गोनीडिया, बाय ओइडियोस्पोर्स, बाय एंडोस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन एंड कॉन्जुगेशन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशंस में होता है, मतलब जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये अगर अनुकूल है तो बाइनरी फिशन के माध्यम से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेम साइज़ की दो सेल्स का निर्माण होता है और स्पाइरल और बेसिलाई बैक्टीरिया, मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया में जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है उसके राइट एंगल्स पर डिवीजन होता है, और कोकस बैक्टीरिया यानी जो स्फेरिकल शेप है उसमें किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकता है और दो इक्वल सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में मीजोसोम्स का अहम रोल होता है, मीजोसोम्स उसमें सेल मेम्ब्रेन निर्माण में मदद करते हैं। सबसे पहले इसमें जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल का। उसके पश्चात इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और सेप्टा बन जाता है और दो नए सेल्स का निर्माण हो जाता है सेम साइज़ के। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में सेल वॉल जो है उसकी थिकनेस एक स्थान पर कम हो जाती है, जनरली एंड ऑफ द सेल पे कम हो जाती है, और कम होकर के वहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स मेम्ब्रेन के साथ में बाहर आ जाता है और एक बड के समान संरचना बना लेता है। थिन मेम्ब्रेन बाहर आती है और उसके साथ में कुछ जेनेटिक मटेरियल भी उसमें प्रेजेंट होता है, इसको हम बड कहते हैं। बड जो है वो धीरे धीरे साइज़ में बड़ी होती है और कंस्ट्रक्शन के स्थान पर यहाँ पर पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है। अब ये जो डॉटर सेल है वो धीरे धीरे साइज़ में इंक्रीज़ करती है और पेरेंट सेल के बराबर साइज़ को अटेन करके मैच्योर बैक्टीरिया की सेल बना लेती है। नेक्स्ट इज सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म होता है वो कम्प्लीटली श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से दूर हट जाता है, थिक सेल वॉल का निर्माण हो जाता है प्रोटोप्लाज्म के अराउंड, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जर्मिनेट होकर के एक नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट इज गोनीडिया और सेगमेंटेशन। इसमें कुछ बैक्टीरिया में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका सेल डिवीजन हो जाता है और बहुत छोटे छोटे से स्मॉल बॉडीज़ का निर्माण हो जाता है जिनको कि गोनीडिया कहते हैं। अब जब भी पेरेंट सेल रप्चर होती है और ये छोटे छोटे पीसेस जो है एनवायरनमेंट में फ्री हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो नए बैक्टीरिया का निर्माण कर देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मेथड है बाय गोनीडिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस में जनरली ये फिलामेंटस बैक्टीरिया में जिसका स्ट्रक्चर फिलामेंट के समान होता है उनमें इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो कि कोनिडिया का डेवलपमेंट करते हैं उनको कोनिडियोफोर्स कहते हैं, और इन कोनिडियोफोर्स के टिप पर बहुत ही छोटे छोटे या राउंड शेप्ड या फिर रॉड शेप्ड कोनिडिया का निर्माण होता रहता है, एक के नीचे एक उसका निर्माण वो करते रहते हैं, तो इस प्रकार से उनकी एक चेन बन जाती है। चेन बनने के बाद में जब ये मैच्योर हो जाते हैं कोनिडिया तो ये बाहर लिब्रेट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में और जर्मिनेट होते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस में इनका जर्मिनेशन होता है और नया बैक्टीरिया का प्लांट बना देते हैं बाय गोनीडिया। इसमें कुछ ये भी एक्टिनोमाइसिटीज़ की कुछ स्पीशीज़ और उसमें भी फिलामेंटस बैक्टीरिया में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें कि फिलामेंट कोनीडिया ओपन एंड जो है फिलामेंट का वो कोनीडिया बनाने की बजाय, जैसे कोनीडिया तो उसमें टिप पर कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं और राउंड शेप कोनीडिया का निर्माण होता रहता है, लेकिन इसमें जो फिलामेंट है उसमें सेप्टा का निर्माण हो जाता है और सेप्टा में पूरा की पूरा फिलामेंट में सेप्टा बन जाते हैं और कई स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम ओइडियोस्पोर्स कहते हैं और सिंगल उसको ओइडिया कहते हैं। तो ये जो ओइडियोस्पोर्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म का कुछ अमाउंट और जेनेटिक मटेरियल इनमें प्रेजेंट होता है, और ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं ओइडियोस्पोर्स। ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आने पर जर्मिनेट होकर के नया बैक्टीरिया की सेल बना देते हैं। लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंडोस्पोर्स। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में एंडोस्पोर्स के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसको सबसे पहले कोन और कोश ने डिस्कवर किया था 1877 में।
एंडोस्पोर ज़्यादातर पैरासिटिक बैक्टीरिया में बनते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पर पैरासाइट की तरह से प्रेजेंट होते हैं, उनमें जनरली एंडोस्पोर्स का निर्माण होता है। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस को वो इजीली पास कर सकते हैं। उनमें वो वेजिटेटिव भी डॉर्मेंट कंडीशन है, मतलब वो अभी सुषुप्त अवस्था में बैक्टीरिया की सेल होती है, और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। ये अगर इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बैक्टीरिया को, तो ये एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। जनरली एक बैक्टीरिया सेल से एक एंडोस्पोर का निर्माण होता है। ये सेल के एंड में या मिडिल में या फिर कहीं पर भी इसका डेवलपमेंट हो सकता है। ये जनरली सेल सर्कुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, पर ये कभी सिलेंड्रिकल और एलिप्टिकल शेप के भी हो सकते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सेल डिवीजन बंद हो जाता है और एटीपी के अमाउंट में भी कमी आ जाती है, और एंडोस्पोर डेवलपमेंट करने वाले जीन्स इसमें एक्टिव हो जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तभी जीन्स इनएक्टिव रहते हैं और एंडोस्पोर का निर्माण नहीं होता है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो ये जीन एक्टिव हो जाते हैं, एंडोस्पोर डेवलपमेंट करने वाले जीन्स, और स्पेशल टाइप का प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो कि इस एंडोस्पोर फॉर्मेशन को कैटलाइज करता है। ये एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर आप देखिए, जिसमें कि पेरेंट सेल में एंडोस्पोर का निर्माण हुआ है, और इसमें जो इसकी कोट है, स्पोर कोट है, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू प्रोटोप्लाज्म। इसका प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट कम और इसके एंडोस्पोर की कोट का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस को भी पास कर सके। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट होकर के नए बैक्टीरिया की सेल बना देता है। जो एंडोस्पोर है उसका स्ट्रक्चर में, इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 90% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो प्रोटोप्लाज्म है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, पानी उसमें बहुत कम पाया जाता है और प्रोटीन का अमाउंट उसमें अधिक पाया जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है जो कि कोर मेम्ब्रेन कहलाती है, और मेम्ब्रेन के चारों तरफ स्पोर वॉल प्रेजेंट होती है जो कि लगभग 30-60% होती है ड्राई वेट का, स्पोर के ड्राई वेट का 30-60%, मतलब मैक्सिमम जो इसमें वेट होता है वो किसका होता है, वॉल का वेट होता है, और ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है अनफेवरेबल कंडीशंस में, हार्मफुल केमिकल से उसको बचाती है। और जो इसकी स्पोर वॉल है वो आउटर कोट और इनर कोट में डिफ्रेंशिएटेड होती है, और मेम्ब्रेन और स्पोर कोट के बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से कॉर्टेक्स और फिर स्पोर कोट मिलकर के इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर उसके स्पोर की बना देते हैं, और वो अनफेवरेबल कंडीशंस को इजीली पास कर पाता है एंडोस्पोर। नाउ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोस्पोर। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब बहुत टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशंस हों, लाइट की, पॉइजनस सब्सटेंसेस भी हों, तो उस कंडीशन में भी एंडोस्पोर सर्वाइव कर जाते हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर 24 घंटे तक अगर इनको मिले तो उसको भी वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सट्रीम कंडीशंस को भी ये एंडोस्पोर्स टॉलरेट कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसमें जर्मिनेशन होता है एंडोस्पोर में, और सबसे पहले एंडोस्पोर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद में इसका साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है, स्वेलिंग आती है उसमें, जिसकी वजह से फूड और वाटर दोनों जो है वो स्वेल कर जाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और इसी वजह से उसकी अधिकता होने से वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं स्पोर कोट पर, और वो ब्रेक हो जाती है और सेल बाहर आ जाती है जर्मिनेशन के लिए। एक बैक्टीरिया की सेल एक ही एंडोस्पोर बनाती है, इसलिए जब एक बैक्टीरिया की सेल से एंडोस्पोर बनता है तो वो एक एंडोस्पोर बनता है, और वो जर्मिनेट होकर के भी एक बैक्टीरियल सेल ही बनाती है। इसलिए इसको कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का माध्यम नहीं है, ये केवल अनफेवरेबल कंडीशंस को पेरिनेट करने का माध्यम है, मतलब उससे हम बाहर निकलने का माध्यम है। तो कुछ साइंटिस्ट तो ये बिलीव करते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने के लिए इसमें एक तरीके का अडेप्टेशन डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से एंडोस्पोर बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के वो जर्मिनेट होकर एक सिंगल बैक्टीरियल सेल बना देते हैं। तो ये है वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। थैंक यू।